तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बायो का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? जोर से बोलो। वेरी गुड। तो आपने करना क्या है कि सिर्फ यहाँ पे ध्यान से सुनना है, और एनसीईआरटी की बुक आपने निकाली है तो उसको साथ साथ में अंडरलाइन करते रहना, ठीक है बेटा? कोई बात नहीं, बीच में हंसी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो एक बार मैं इस चैप्टर का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हम इसमें करेंगे क्या कि इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम था? लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा पहला यूनिट है जिसका ये दूसरा चैप्टर है, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसकी 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी चैप्टर फर्स्ट टाइम हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो 11th क्लास में उसका मॉडिफाइड वर्जन आपको पढ़ना है। बात समझ में आ गई? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया, और किस तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया उनकी किस तरीके से शुरुआत हुई। और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली डील करेगा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई के साथ। उसके अलावा यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म और होंगे जिनको किसी भी क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं मिली। उसमें एक हम पढ़ेंगे वायरसेस, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लाइकन्स। क्या पढ़ेंगे? लाइकन्स। बात समझ में आ गई? तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें, सो अभी तक फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं। तो उसके बेसिस पे हमने टोटल जो मॉडर्न डे हम स्टडीज़ करते हैं इसमें 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा जाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो ये जो बेसिकली चैप्टर होगा इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट वर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, उनकी कंपैरेटिव स्टडी, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। किसे शुरुआत करेंगे? क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो सबसे पहली अटैम्प्ट थी ये किसने दी? एरिस्टोटल। इस बात का ध्यान रहे कि एरिस्टोटल ने कोई भी किंगडम सिस्टम नहीं दिया था, इसने सिंपली ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया प्लांट्स और एनिमल्स में। तो इसने कहा कि प्लांट्स हमारे पास 3 तरह के हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। साथ में बोलते रहना है, कौन से हैं? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जो हर्ब्स होते हैं इनकी स्टेम हमेशा ग्रीन रहती है। स्टेम हमेशा क्या रहती है? ग्रीन रहती है। जो श्रब्स होते हैं इनकी जो स्टेम है ये ब्राउन हो जाती है, लेकिन इनमें कभी भी वुड फॉर्मेशन नहीं होता है। और जो ट्रीज होते हैं इनमें जो स्टेम होती है ये क्या बन जाती है? वुड या ट्रंक बन जाती है। क्या बन जाती है? ट्रंक बन जाती है, इनमें वुड फॉर्मेशन होता है। एनिमल्स को ये कैटेगराइज किया इसने 2 कैटेगरीज में, एनिमल्स विद रेड ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। विद रेड ब्लड वालों में इसने बोला रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, एव्स एंड मैमल्स। एंड विदाउट रेड ब्लड को इसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हार्ड बॉडी एंड सॉफ्ट बॉडी। हार्ड बॉडी वाले को इसने बोला इंसेक्ट्स, और सॉफ्ट बॉडी को इसने कैटेगराइज किया जिनकी शेल थी और जिनकी शेल नहीं थी। शेल वाले को इसने एक एग्जाम्पल दी शेलफिश, और विदाउट शेल वाला कौन सी थी? जेलीफिश। तो ये इनिशियल क्लासिफिकेशन थी। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसने एनिमल या प्लांट किंगडम दिया, नहीं, इसने सिंपल क्लासिफिकेशन दी जिसमें इसने क्या कहा, दुनिया में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर होगी बात? क्या बोला? प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद जो सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जो एरिस्टोटल से ही थोड़ा सा प्रभावित था, तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं लीनियस, जिन्होंने टैक्सोनॉमी में अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो लीनियस ने ये कहा 1758 में कि हमारे पास 2 ही तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं? 2, जिसके बेसिस पे इसने 2 किंगडम बनाई। कितनी किंगडम बनाई? 2। फर्स्ट वॉज द प्लांट किंगडम एंड नंबर 2 वॉज द एनिमल किंगडम। नाउ द पॉइंट इज दैट इसने किस बेसिस पे ये किंगडम बनाई? तो इसने कहा कि जिनमें सेल वॉल होगी वो प्लांट है, जिनमें सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमल है। इज दैट क्लियर? तो इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? सेल वॉल प्रेजेंस और एब्सेंस। दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? लेकिन ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं हुई। अब बात करते हैं कि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो देखो उन्होंने क्या करा, प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, इन सबको किस में डाला? प्लांट्स में।
इन सबको किस में डाला? प्लांट्स में। क्या ये बात मानने लायक है? नहीं है, क्योंकि इन सब में सेल वॉल था। इन सब में क्या था? सेल वॉल था। तो इन्होंने सबको किस में डाल दिया? प्लांट में डाल दिया। टू किंगडम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट। उसके बाद तो हमें ये समझ में आता है कि इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेम ग्रुप में रखा, जो कि मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। यूनिसेलुलर में ये आ गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, कुछ फंजाई जैसे कि यीस्ट यूनिसेलुलर है। तो इसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रखा, जो भी मानने लायक बात नहीं थी। उसके बाद इसने ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स और हेटरोट्रॉफिक फंजाई के बीच में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया। देखो, इसने प्लांट्स और फंजाई को एक साथ रखा, तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, फंजाई हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है, दोनों को एक ही ग्रुप में रखा। ये भी इसका क्या था? ड्रॉबैक था। और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म और था, यूग्लिना, जो मॉडर्न डे सिस्टम में किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। तो यूग्लिना में क्लोरोफिल प्रेजेंट थी और इसमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट था, यानी कि एनिमल और प्लांट दोनों के करेक्टर देता है। लेकिन इसको भी किस में डाला गया? प्लांट में डाला गया। किस में डाला गया? प्लांट में डाला गया। तो ये इस किंगडम मतलब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या थे? ड्रॉबैक्स। क्या थे इसके? ड्रॉबैक्स। तो इसको दूर करने के लिए हमारे पास आई थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सी वाली आई? थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम ये एनसीईआरटी में एसएच नहीं है बेटा। तो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी? अर्नस्ट हेकल, 1866, जिसमें किसको इंट्रोड्यूस किया गया? प्रोटिस्टा को। किसको इंट्रोड्यूस किया गया? प्रोटिस्टा को। सो इसमें इंक्लूड किया गया बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। तो इन्होंने बस ये कहा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सब में किस में डाल दो? प्रोटिस्टा में। किस में डाल दो? प्रोटिस्टा में। लेकिन फिर से प्रॉब्लम इसमें भी यही थी कि फंजाई को अभी भी कोई भी प्लेस नहीं मिली, क्योंकि फंजाई में कुछ यूनिसेलुलर थी, कुछ मल्टीसेलुलर थी। बात समझ में आ गई? तो ये वाले सिस्टम भी, आई मीन जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद आई हमारे पास फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या करा कि क्योंकि जो फर्स्ट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को भी डिफरेंशिएट नहीं करता था, तो कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया किंगडम मोनेरा को। किसको इंट्रोड्यूस किया? किंगडम मोनेरा। तो इसने ये कहा कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी क्या हैं? प्रोकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया, उसको सब में किस में डाल दिया जाए? मोनेरा में डाल दिया जाए। किस में डाल दिया जाए? लेकिन अभी भी प्रॉब्लम किसकी थी? फंजाई की। किसकी थी? फंजाई को अभी भी कोई भी प्रॉपर प्लेस नहीं मिली। तो इसीलिए हमारे पास जो फाइनल सिस्टम दिया वो किसने दिया? आर एच विटेकर ने दिया। किसने दिया? सो ही इंट्रोड्यूस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा सवाल पूछा जाता है, व्हाट वर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? किस बेसिस पे इसने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इसने इंट्रोड्यूस किया फंजाई को? किसको इंट्रोड्यूस किया? फंजाई। सो बेसिस क्या थे? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कब आया? 1969। तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1758। तकरीबन 200 साल लग गए। कितने साल लगे? 200 साल लग गए फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आने में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टेबल दिया हुआ है, जिसमें उसने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या करा है बेटा? कंपेयर करा है। क्या करा है? कंपेयर। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो देखिए कौन कौन से करेक्टर इसने लिए हैं। सबसे पहले इसने लिया है सेल टाइप, उसके बाद सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल टाइप की, तो ऑब्वियसली मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, बाकी सब में क्या है? यूकैरियोटिक। सेल वॉल की अगर बात करी जाए तो ये नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स की बनी है। उसके अलावा प्रोटिस्टा में कुछ में होगी और कुछ में नहीं होगी, ये जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। उसके बाद फंजाई में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? काइटिन की। प्लांट में तो डोमिनेंट फीचर है सेल्युलोज की बनी है, और एनिमल में ये एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बाकी सब में क्या होगी? प्रेजेंट होगी। उसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी सिंगल सेल की बनी है, तो सेलुलर ही होगी। ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो लूज टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लूज टिश्यू, कोई प्रॉपर ऑर्गन इनमें भी नहीं है। अब
प्लांट में क्या है, टिश्यू एंड ऑर्गन, और एनिमल में क्या है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इज दैट क्लियर। तो यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आपके बनेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स, सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन की टाइप पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, किंगडम मोनेरा। किस में पाई जाती हैं, किंगडम मोनेरा में पाई जाती हैं। ऑटोट्रॉफिक में इसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, हेट्रो में सेप्रोफिटिक एज वेल एज पैरासिटिक, प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक में देखिए, आई मीन ऑटोट्रॉफिक में केवल कौन सी होगी, फोटोसिंथेटिक, लेकिन इसमें क्या थी, कीमो, और हेटरोट्रॉफिक होगी। फंजाई दे आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक, प्लांट्स आर एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, किसकी, जो हमारे पास कार्निवोरस यानी कि पार्शली हेटरोट्रॉफ्स या पार्शली ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स हैं, एंड एनिमल्स आर प्योरली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब ये हमने कर ली इनकी कंपेरेटिव स्टडी, अब हम बात करेंगे सबसे पहले किंगडम मोनेरा की। किसकी बात करेंगे, तो अगर मोनेरा की बात करी जाए, मोनेरा की बात करी जाए तो मोनेरा वर्ड का मतलब है मोनोस। मोनेरा वर्ड का मतलब क्या है, मोनोस। तो किंगडम मोनेरा जो है, एनसीईआरटी बोलती है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, कि किंगडम मोनेरा एक्सक्लूसिवली किसके लिए बनी है, बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए बनी है, इसलिए आप किंगडम मोनेरा को किंगडम बैक्टीरिया भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, किंगडम बैक्टीरिया भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के बारे में ही स्टडी किया जाता है। उसके अलावा दे आर वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो हर जगह ऑलमोस्ट एबंडेंस में पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट और लिखा कि एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी हंड्रेड्स, यानी कि हंड्रेड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हंड्रेड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर हैबिटेट की बात करी जाए सो दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस, एज वेल एज दे आर पैरासाइटिक, दे आर पैरासाइटिक। तो ऑलमोस्ट ये हर जगह पे पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर किंगडम मोनेरा की बात करी जाए, तो अभी भी मैंने क्या बताया, इसमें क्या है, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि जहाँ पे डीएनए के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इन ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। ये भी आपको अभी सेल में जो पढ़ाया, इज दैट क्लियर। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन फॉर मोनेरा। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करी जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एनसीईआरटी हमें चार तरह के बैक्टीरिया बताती है। कितने तरह के बैक्टीरिया बताती है, चार तरह। सबसे पहले आगे कोकस, जिसका प्लूरल है कोकाई, ये सफेरिकल होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद आगे बैसिलस, रॉड शेप एग्जाम्पल के तौर पे लैक्टोबैसिलस, बैसिलस का प्लूरल क्या है, बैसिली। उसके बाद आगे वाइब्रियम, यानी कि कॉमा शेप, प्लूरल क्या है, वेब्रियो, एग्जाम्पल वेबियो, वेब्रियो कोलरा, जिसके कारण कोलरा की बीमारी होती है। उसके बाद आगे स्पायरुलम, स्पायरल शेप, इसमें एग्जाम्पल क्या है, हेलिकोबैक्टर पायरोली। बात समझ में आ गई। तो ये सैंपल चार तरह की हमें टाइप्स दी हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। एग्जाम्पल मैंने एडिशनल लिखी हुई है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें, सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को हम डिटेल में आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाएंगे। तो अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू लूँ इसका, एक शॉर्टकट ओवरव्यू लें, तो बैक्टीरिया जो है इसमें तीन मेम्ब्रेन लगी होती है, बाहर की स्लाइम लेयर, अंदर की तरफ सेल वॉल, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका जो डीएनए होगा वो क्या होगा, नेकेड। नेकेड डीएनए को न्यूक्लियॉइड कहा जाता है, और ये डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। इसके अलावा इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी इनफोल्डिंग को मेम्ब्रेन मीजोसोम कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है। उसके अलावा इसमें राइबोसोम्स, रिजर्व फूड, और जो इसके मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, वो जल्दी बैठो जल्दी, वो कौन से वाले हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला के तीन पार्ट हैं, बेस, हुक एंड फिलामेंट। उसके अलावा इसकी बॉडी में पिलाई और फिम्बरे भी पाए जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, जिसकी डिटेल हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा, सेल बायोलॉजी में कहाँ पढ़ते हैं, सेल चैप्टर में, ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिंपल है। अब बात करते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई बैक्टीरिया की, या मोनेरा की डिस्कवरी कैसे हुई। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, लीवेनहॉग। सो ही सॉ सम माइन्यूट क्रिएचर्स आइसोलेटेड फ्रॉम माउथ। तो इसने माउथ से कुछ, जैसे हमारे माउथ में जो प्लैग होती है, माउथ से कुछ इसने अपना सलाइवा वगैरह लिया होगा,
या कुछ इन्फेक्शन हो गई होगी, तो उस मटेरियल को इसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो वहाँ पे क्या देखिए, इसने कुछ माइन्यूट क्रिएचर्स रखे, जिन माइन्यूट क्रिएचर्स को इसने क्या बोला, एनिमल क्यूल्स, क्या बोला, एनिमल क्यूल्स, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, एंड देवर माइक्रोस्कोपिक, जिसका साइज़ क्या था, 2 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलती है, दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शोज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, किंगडम मोनेरा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, किंगडम मोनेरा में पाई जाती है। अब बात करेंगे हम इसकी क्लासिफिकेशन की। तो बैक्टीरिया को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह के हमारे पास बैक्टीरिया हैं, फर्स्ट आर द आर्किबैक्टीरिया एंड नंबर 2 आर द यू बैक्टीरिया। अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो आर्किबैक्टीरिया जो है ये दुनिया की सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, और जो यू बैक्टीरिया है दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, जो नॉर्मल हर एक तरह के एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिल जाएंगे। ये सिर्फ कहाँ मिलेंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस में ही। इसमें 3 कैटेगरीज हैं बेटा, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया में 2 क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, फर्स्टली दे आर ऑटोट्रॉफिक और दूसरे कौन से हैं, हेटरोट्रॉफिक। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम आर्किबैक्टीरिया, किसकी बात करते हैं, आर्किबैक्टीरिया। तो जैसा कि आप बताया मैंने, दे आर फाउंड इन द एक्सट्रीम, और ये नॉर्मल बैक्टीरिया यानी जो यू बैक्टीरिया है उससे डिफर करता है अपने सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। किसके स्ट्रक्चर में, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। अब ये देखिए, इसकी जो सेल वॉल होती है यहाँ पे क्या नहीं होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। ये मैंने अभी अभी आपको सेल बायोलॉजी में भी बताया था, आई बात समझ में। उसके अलावा इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स, और इसमें क्या पाए जाते हैं, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स पाए जाते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन में। क्योंकि इसमें ब्रांच्ड चेन लिपिड्स पाए जाते हैं इसीलिए ये एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सर्वाइव। बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद बात करेंगे इसकी टाइप्स की। तो सबसे पहले टाइप क्या है इसमें, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल वर्ड कहाँ से है, हेलोजन। हेलोजन्स वो होते हैं जो सॉल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉल्टी एरियाज़ में, यानी कि जो मार्शी एरियाज़ में रहना, और सॉरी सॉल्टी एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं, मैराइन वाटर। हाँ समझ में आ गया आपको। ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हाइपर सलाइन लेग्यून्स होते हैं, और यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है, इट इज़ मोर देन 100 पार्ट्स पर 1000, इट इज़ नॉट पार्ट्स पर मिलियन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सॉल्ट वाटर है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, होलोकोकस। उसके बाद आगे बेटा थर्मो एसिडोफाइल्स। तो थर्मो एसिडोफाइल्स की अगर बात करी जाए तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि ये वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो लो पीएच पे या बहुत ज़्यादा हीट जहाँ पे प्रोड्यूस होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपने सुना होगा अमेजोन में एक रिवर है जो जहाँ पे पानी उबलता है, सो हॉट स्प्रिंग्स में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, एंड दे कैन विदस्टैंड टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। 12th क्लास में एक बैक्टीरिया आएगा जिसका नाम होगा थर्मस एक्वेटिकस, ये याद रखिएगा, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में दोबारा से रिपीट होगा। मिथेनोजेंस कौन से हो गए बेटा, जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, मिथेन गैस। क्या प्रोड्यूस होती है, मिथेन गैस। तो मिथेन गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस, ये जो कटिंग एनिमल्स होते हैं, जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इनके र्यूमेन चैम्बर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, र्यूमेन चैम्बर में पाए जाते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, मिथेन गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। किसकी बात करते हैं, तो यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है कैसे होती है बेटा, रिजिड। अगर इनमें फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होंगे, अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो इनमें क्या पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ये मैंने बताया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, याद करिए, अभी बताया ना, नैम, ये नैम नहीं, ये नैग वाला है, नैम एंड नैग, एन एसिटाइल यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है भैया। ये आपको जो अभी जो सेल बायोलॉजी हमने पढ़ी उसमें भी मैंने बताया था। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेटा, सो यू बैक्टीरिया में हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है वो कौन सी वाली थी, ऑटोट्रॉफ की। किसकी थी, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे जो हमें मॉडल ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए लिया है, ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया में वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बेटा, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो
तो ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्लांट की तरह एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसीलिए जिस पानी में ये पाया जाता है तो उस पानी का कलर कैसा आता है? ग्रीनिश। कैसा आता है? ग्रीनिश। इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। दे आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस, ये तीन तरह की इसकी फॉर्म्स हैं। कोलोनियल में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया जब कॉलोनी के अंदर रहता है तो इसकी बाहर से जो कॉलोनी होती है ये किसने कवर की होती है? जिलेटिनियस शीत, इसके अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। इसके अंदर ही क्या रहता है? बैक्टीरिया रहता है। और जब ये पोल्यूटेड वाटर में इस तरीके से बहुत सारी इसकी कॉलोनीज बन जाती हैं, या पोल्यूटेड वाटर में जब ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई कराता है तो वहाँ पे क्या बना देता है? अपनी पॉपुलेशन को जब इंक्रीज़ करता है उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी को क्या कहा जाता है? ब्लूम्स। क्या कहा जाता है? ब्लूम्स। इनको वाटर ब्लूम्स भी कहा जाता है। तो वाटर ब्लूम्स जो होते हैं ये किसके कारण बनते हैं? साइनोबैक्टीरिया के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? साइनोबैक्टीरिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। उसके अलावा एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का एक और स्पेशल फंक्शन दिया हुआ है। साइनोबैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। और नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके पास स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? हेटरोसिस्ट। क्या कहा जाता है? हेटरोसिस्ट। इसमें एग्जांपल क्या याद रखनी है? नॉस्टॉक एंड एनामिना। क्या याद रखना है? नॉस्टॉक एंड एनामिना। तो ये देखो बेटा, ये नॉस्टॉक की कॉलोनी बनाई है और ये कॉलोनी के बाहर से क्या है? म्यूसिलेज का शीत। क्या बाहर से? म्यूसिलेज का शीत। और ये इसके अंदर क्या है? हेटरोसिस्ट सेल। ये हेटरोसिस्ट सेल क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करने में क्या करता है? हेल्प करता है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब चलते हैं हम आगे। उसके बाद आगे कीमोसिंथेटिक। कौन से वाले आगे? कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? ये कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है? ये वो वाले ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? केमिकल। या ऐसे कह लीजिए कि जब ये किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेंगे वहाँ पे जाके ये कुछ केमिकल्स को सेक्रेट करवाते हैं। क्या सेक्रेट करवाते हैं? उन केमिकल्स की वजह से वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है? एनर्जी। ये उस एनर्जी का यूज़ करके अपनी एनर्जी बनाते हैं। क्या करते हैं? अपनी एनर्जी बनाते हैं। तो कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या है? वो वाले बैक्टीरिया जो केमिकल रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी का यूज़ करके अपनी एनर्जी बनाएंगे, इन्हें कहा जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये बेसिकली जो रिएक्शंस करते हैं वो ज़्यादातर कौन से होते हैं नेचर में? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसमें एग्जांपल याद रखनी है आपको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और ये बड़े सारे जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, इनकी रिसाइकिलिंग में भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन की जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये अपनी एनर्जी बनाते हैं, यानी कि अपने क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटीपी। ठीक बात। अब आगे देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। किसकी बात करेंगे? हेटरोट्रॉफिक। तो अगर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हम बात करें सो दे आर द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट। हमने अभी तक आपको बैक्टीरिया के जितने भी टाइप्स बताई उसमें से जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कौन से वाले हैं? हेटरोट्रॉफिक। कौन से वाले हैं? हेटरोट्रॉफिक। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का हमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बताया है और साथ में कुछ डिजीजेज भी बताई है। क्या बताई हैं? डिजीजेज भी बताई हैं। सो क्या बोलते हैं? मोस्ट अबंडेंट एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या बेटा? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन अफेयर्स पे इनके क्या इम्पैक्ट है, इसको आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसकी कह सकते हो। तो सबसे पहले अगर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो जो कर्ड होता है, कर्ड कहाँ से बनता है? मिल्क से बनता है। तो आप दूध के बीच में थोड़ा सा दही डालते हैं, उस दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क के केजिन प्रोटीन को कोगुलेट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में। इसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में। उसके बाद दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा? दे आर द केमिकल्स दैट स्टॉप द एक्शन ऑफ एंटीजन, यानी कि पैथोजन। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कहाँ से बनता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। उसके अलावा आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि अगर तो होस्ट मिला ठीक है, नहीं मिला तो ये तब भी सर्वाइव कर सकते हैं।
उसके अलावा ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ज़्यादातर ये क्या करते हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके बीच रह के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, उनको कहा जाता है सिम्बायोटिक। क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक मतलब लिविंग टुगेदर। एग्जाम्पल के तौर पर राइजोबियम एंड फ्रेंकिया, और फ्री लिविंग में आगे एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक में आगे एजोटोबैक्टर एंड बेजरिंकिया, एंड एनारोबिक में कौन सा आ गया, क्लॉस्ट्रिडियम, यानी कि एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता है और एक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता है। ठीक बात हो गई, तो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज भी करते हैं। क्या कॉज करते हैं, डिजीज़। तो एनसीईआरटी में केवल डिजीज़ दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, डिजीज़ के साथ साथ उसका पैथोजन भी देखेंगे। जैसे सबसे पहले डिजीज़ आ गई पैथोजन टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद आ गया टैटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। उसके बाद आ गया कोलरा, विब्रियो कोलरा की वजह से होता है। ये सारी ह्यूमन डिजीज हैं। उसके बाद प्लांट में आ गया सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्रस की वजह से होता है। ये दोनों फिर से एनिमल आ गई। टीबी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ये किसकी वजह से होती है, मायोबैक्टीरियम और माइकोबैक्टीरियम। और निमोनिया किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये कुछ हमें क्या दी हुई यहाँ पे, डिजीज़ दी है और पैथोजन मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया जैसा कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें डोमिनेंटली कौन सा वाला रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है, एसेक्सुअल। और एक सेक्सुअल में भी कौन सा होता है, बाइनरी फ्यूजन। सिंपली बैक्टीरिया डिवाइड करेगा बाइनरी फ्यूजन से और दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उस। लेकिन जो बेटा इसमें ये जो फ्यूजन होता है ये अंडर फेवरेबल कंडीशन होता है। कैसे होता है, फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, जब हम आपको सेल साइकिल पढ़ाएंगे तो इनमें कोई भी सेल साइकिल नहीं होता है, प्रॉपर माइटोसिस इनमें नहीं होती है। इनमें सिंपली क्या होता है, सबसे पहले डीएनए डबल करता है, फिर डायरेक्टली सेल क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। सेल क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। इज दैट क्लियर। तो इनमें माइटोसिस जैसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। इनमें सिंपली क्या होता है, सबसे पहले डीएनए अपने आप को डबल करता है, उसके बाद सेल क्या कर जाता है, डिवाइड। तो याद करिए फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको एक इसकी खास बात बताई थी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। बात समझ में आ गई। अब अगर कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये अपने बाहर एक हार्ड कवरिंग को क्या कर देता है बेटा, सेक्रेट कर देता है, और सेक्रेट करने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बनाता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्पोर्स। क्या कहा जाता है, स्पोर्स। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो ये स्पोर्स क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट। क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट। इज दैट क्लियर। उसके बाद एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट दिया है कि अगर बैक्टीरिया की बात करें हम रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करें, रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, तो बैक्टीरिया में क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कोई भी इवेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, इनमें डीएनए ट्रांसफ़र होने का एक मैकेनिज्म होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है दैट दे रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में केवल क्या करता है, डीएनए को ट्रांसफ़र करता है। डीएनए को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो डीएनए को जब ये ट्रांसफ़र करता है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट बेटा मैकेनिज़म्स होते हैं। मैं एक आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये बैक्टीरिया है, तो ये वाला जो बैक्टीरिया है ये दूसरे बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफ़र करेगा, अपना डीएनए क्या ट्रांसफ़र करेगा। और जब ये डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा तो ये क्या करेगा, इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पिलाई। क्या कहा जाता है, ये अपने पिलाई को इस बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करवाएगा और अपने डीएनए को इसमें क्या करवाएगा, एंटर करवाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है इसे कहा जाता है कंजुगेशन ब्रिज। क्या कहा जाता है, ठीक है, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम है कंजुगेशन। क्या नाम है इसका, कंजुगेशन। तो होता क्या है इनमें कि केवल डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसा मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी तरीके से ट्वेल्थ क्लास में आपको मैं दो मैकेनिज्म और बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन, और एक होगा ट्रांसडक्शन। एक क्या होगा, ट्रांसडक्शन। फिलहाल आप इतनी सी बात याद रख लीजिए, ठीक है। सो ये हो गया बेटा हमारा किंगडम मोनेरा। क्या हो गया, किंगडम मोनेरा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा की। किसकी बात करेंगे? किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, तो किंगडम ओनेरा हमारा ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा। क्या स्टार्ट करेंगे? किंगडम प्रोटेस्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम बेटा किंगडम प्रोटेस्टा की बात करें, किंगडम प्रोटेस्टा की अगर हम बात करें, सो देखिए, सो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, सो दे इंक्लूड सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। क्या आते हैं इसमें? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। उसके अलावा यूकैरियोट क्या होता है? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे। कुछ में फ्लैजिला होंगे और कुछ में क्या होंगे? सिलिया। कुछ में फ्लैजिला होंगे और कुछ में क्या होंगे? सिलिया होंगे। उसके अलावा दे आर प्राइमरली एक्वाटिक। प्राइमरली क्या है ये? एक्वाटिक है। और ये एक ऐसी किंगडम होगी जो लिंक करेगी किसको? प्लांट्स, एनिमल और फंजाई के साथ ही लिंक बनाएगी। क्या बनाएगी? लिंक बनाएगी। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली एज वेल एज सेक्शुअली। और अगर सेक्शुअली की बात करें तो इनमें प्रॉपर जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉपर जाइगोट। और प्रॉपर क्या बनेंगे इनमें? गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेट्स। अब एनसीईआरटी यहाँ पे एक बात लिखती है, द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका कारण ये है कि जब हम किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ेंगे तो इसके कुछ फीचर्स मोनेरा के साथ मैच करेंगे, कुछ फीचर्स प्रोटेस्टा के फंजाई के साथ मैच करेंगे, कुछ प्लांट के साथ मैच करेंगे और कुछ एनिमल्स के साथ मैच करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा की क्लासिफिकेशन। तो किंगडम प्रोटेस्टा की अगर बात करी जाए, सो किंगडम प्रोटेस्टा की अगर बात करी जाए, सो इसमें टोटल हम 5 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। कितनी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे? 5। चलिए बेटा देखिए, तो सबसे पहले कौन से हैं? क्राइजोफाइट्स, उसके बाद है डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? क्राइजोफाइट्स की। किसकी बात करेंगे? क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स की अगर हम बात करें, सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैसिवली? यानी कि ये अपनी किसी भी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये वाटर करंट्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वाटर करंट का इस्तेमाल करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इसमें दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट आर द डायटम्स एंड नंबर टू इज़ द गोल्डन एल्गी। नंबर टू इज़ द गोल्डन एल्गी, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं अब डायटम्स की। तो देखिए ज़रा, तो डायटम्स को पहली बात तो यह है, डायटम्स क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले अगर इसकी सेल वॉल की बात करें तो किसकी बनी है? सेल्युलोज एंड सिलिका। किसकी बनी है? सेल्युलोज एंड सिलिका। अब इसमें होता क्या बेटा, इसमें जो सिलिका की सेल वॉल होती है, ये इसमें टू ओवरलैपिंग सेल वॉल बनाती है। क्या बनाती है? टू ओवरलैपिंग सेल वॉल। और ये कुछ इस तरीके से होती हैं कि ये एक साबुन के बॉक्स की तरह क्या हो जाती है, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती हैं। और अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है कि ये जो सिलिका है ये इनडेस्ट्रक्टेबल है। ये क्या है? इनडेस्ट्रक्टेबल है। तो जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो ये जो सिलिका है, ये जहाँ पे भी ओशंस होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। और उस पर्टिकुलर लैंड को क्या कहा जाता है? डाइएटमिशियस अर्थ। क्या कहा जाता है? डाइएटमिशियस अर्थ, जो बिलियंस ऑफ ईयर से क्या हुआ है? एक्यूमुलेट हुआ है। इज दैट क्लियर? उसके अलावा फ्लैजिला इनमें एबसेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक है, इसीलिए ये किसका इस्तेमाल करते हैं? वाटर करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वाटर करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बेटा दूसरा था गोल्डन एल्गी, दूसरा क्या था? गोल्डन एल्गी। तो पहले डायटम्स कर लेते हैं कंप्लीट। अब न्यूट्रिशन कैसे है बेटा इनकी? दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, क्लोरोफिल एस में प्रेजेंट है। और ये क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं उनको ऑक्सीजेनिक कहा जाएगा।
उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंस की बात करी जाए, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। अब जो सिलिका थी, क्योंकि वो रफ़ होती है, इंडस्ट्रक्टेबल होती है, तो इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स में। और इसमें जो स्टोरेज, जो स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ल्यूकोसिन। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसिन। ठीक है बेटा। अब डायटम्स के बाद जो नेक्स्ट है, एक बार देख लीजिए, जो डायटमेशियस होते हैं कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। तो जो गोल्डन एल्गी है बेटा, उसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी हमें नहीं देती है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उसके बारे में बता देता हूँ। गोल्डन एल्गी जो होती है, उसमें येलिश कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण उसका कलर कैसा नज़र आता है? येलिश। कैसा कलर नज़र आता है? येलिश। उससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं सेकेंड इसकी क्लासिफिकेशन की, दैट इज़ डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या बेटा? डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायटम्स कौन से थे? जिनमें टू ओवरलैपिंग सेल वॉल्स थे, जो किसकी बनी थी? सिलिका की। अब डायनोफ्लैजिलेट, तो डायनोफ्लैजिलेट का मतलब है दो फ्लैजिला वाले। कितने फ्लैजिला वाले? दो। तो दो फ्लैजिला वाले तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इसका मतलब ये होगा कि इनमें जो फ्लैजिला हैं कुछ स्पेशल तरह के हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इनमें दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, वन इज ट्रांसवर्स एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूडनल। अब सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल किसका बना है? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। तो ये देखिए, इसकी जो बॉडी है, इसके बाहर जो सेल वॉल है, किसकी है? स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की बनी हुई है। और इसके बीच में, इन प्लेट्स के बीच में जो ग्रूव्स आ रहे हैं, इन ग्रूव्स के बीच में पाए जाते हैं फ्लैजिला। क्या पाए जाते हैं? एक फ्लैजिला रन करता है ट्रांसवर्सली और एक कैसे रन करता है? लॉन्गिट्यूडनली। ये इसका स्पेशल फीचर है। ये क्या है? इसका स्पेशल फीचर है। हैबिटेट कैसा है बेटा? मेराइन। एंड न्यूट्रिशन कैसी है? फोटोसिंथेटिक। इनमें क्लोरोफिल ए और ब्लू, ब्राउन, रेड और येलिश कलर के इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनके कारण ये डिफरेंट डिफरेंट क्या देते हैं? कलर्स देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या देते हैं? कलर्स देते हैं। अब उसके बाद एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे एक स्पेशल डायनोफ्लैजिलेट के बारे में दिया है, जिसका नाम है गोनियोलेक्स। इसका नाम क्या है? गोनियोलेक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। तो होता क्या है कि ये ज़्यादातर ये सी शोर्स के किनारे में पाए जाते हैं। तो अगर आप इस वाटर को देखें तो देखने में ऐसा लगेगा कि लाल कलर का पानी है, लेकिन ये लाल कलर का पानी नहीं है, ये बेसिकली रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। कौन सा वाला? गोनियोलेक्स। और एनसीईआरटी कहती है कि ये बाइनरी फ्यूजन से बहुत तेज़ी से क्या करता है? बहुत तेज़ी से क्या करता है? डिवाइड करता है। बहुत तेज़ी से क्या करता है? डिवाइड करता है। और इतनी तेज़ी से ये डिवाइड करता है कि बहुत जल्दी से ये जो सी का एरिया होता है या ओशन का जो एरिया होता है, उसमें ये अपने आप को डिवाइड करा के उस एरिया में फैल जाता है। तो देखने से ऐसा लगता है कि पानी कैसा है? लाल कलर का है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए यहाँ पे जो पानी की लहरें उठेंगी, उन्हें क्या कहा जाएगा? रेड टाइड्स। क्या कहा जाएगा? रेड टाइड्स। अब ये जो गोनियोलेक्स होता है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसका नाम है सॉक्सिटोसिन। अगर इस टॉक्सिन को कोई फिश वगैरह खा ले तो उस फिश की क्या हो सकती है? डेथ। और अगर इस फिश को कोई ऑर्गेनिज्म खा ले तो ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई ह्यूमन खा ले तो वो क्या हो सकता है? पैरालाइज। क्या हो सकता है? पैरालाइज हो सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद आगे बेटा यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स से आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? यूग्लिना। यूग्लिनॉइड्स की बात करी जाए सो दे आर फ्रेश वाटर, दे आर बेसिकली फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। देखिए बेटा, पहला वाला जो था वो वाटर करंट्स का इस्तेमाल करता था, दूसरे वाले जो थे उनके पास फ्लैजिला थे, अब ये वाले जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टेगनेंट वाटर में, यानी कि अब पानी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। इसीलिए इनकी जो बॉडी होगी, इसके बाहर कोई भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए जो इसकी बॉडी को क्या बना दे? हैवी बना दे, हार्ड बना दे। इसीलिए इनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह पे इनकी बॉडी के बाहर एक ट्रांसपेरेंट प्रोटीन की कवरिंग होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पेलिकल, जो इसकी बॉडी को क्या देती है? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या देती है? फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो याद करिए, जो शुरू में जब हमने क्लासिफिकेशन करी थी तो वहाँ पे प्रोटिस्टा में क्या लिखा था? सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम। इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब अगर फ्लैजिला की बात करी जाए, बेटा तो इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसके एपिकल पोर्शन पे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। उसके अलावा यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर शो करता है। क्या बोला? प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर शो करता है। तो एनसीईआरटी यहाँ मेंशन करती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट एक्ट एज ऑटोट्रॉफ, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती है
तो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या करता है, शिकार करता है और उनको खा जाता है, तो ये एक प्रेडेटर की तरह भी काम करता है। तो इसमें प्लांट का फ्यूचर भी आ गया और एनिमल का फ्यूचर भी आ गया। अब देखिए, शुरू में हमने एक बात बोली थी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये फंजाई प्लांट और एनिमल के साथ क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। तो यूग्लिना ने किस किस के साथ कनेक्शन बनाया, प्लांट और एनिमलिया के साथ। किसके साथ, प्लांट एंड एनिमलिया के साथ। अब देखते हैं कि आगे कोई कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बेटा स्लाइम मोल्ड्स, कौन से आगे, स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स की अगर बात करी जाए ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी भी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इनकी बॉडी में एक स्लाइमी सेक्रेशन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, स्लाइमी सेक्रेशन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को जहाँ पे भी ग्रो करेंगे हर एक डायरेक्शन में इजिली क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर हम स्लाइम मोल्ड्स के न्यूट्रिशन की बात करें सो दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अब होता क्या है बेटा, अगली कहानी इसकी ये है कि ये वाला जो बेसिकली ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग वुड लॉग्स। जैसे ये पीछे की तरफ एक लकड़ी का बहुत बड़ा क्या है, मतलब लॉग है, बहुत बड़ा एक कोई पेड़ मरा हुआ, डेथ हो गई है। तो जहाँ से ये ग्रो करना शुरू करेंगे वहीं से ही अपने आप को क्या करना शुरू करेंगे, फैलाना शुरू कर देंगे। फैलाने के बाद ये जो पूरा का पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो पूरा का पूरा इन्होंने क्या बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। लेकिन ये प्लाज्मोडियम कब बनाते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो इसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें स्लाइमोल्ड्स कैसे हैं, दे आर स्लाइमी मास डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनको ये ईटअप करना शुरू करेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन, और ये अपनी जो बेसिकली पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना शुरू करेंगे, और ये पूरा का पूरा जो मास यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है इन सब को जोड़ के, इसे क्या कहा जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाएगा, इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ स्लाइमी मास। अब ये सब कब हो रहा था, जब कंडीशंस क्या थी, फेवरेबल। जब कंडीशंस क्या थी, फेवरेबल। लेकिन जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएंगी तो ये जो प्लाज्मोडियम होगा इससे कुछ स्पेशल तरह के क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़। क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़। और फ्रूटिंग बॉडीज़ का बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैप्सूल पार्ट, एक कौन सा होता है, कैप्सूल पार्ट, और एक होता है इसमें स्टॉक। एक क्या होता है इसमें, स्टॉक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। सेल वॉल क्या होती है, जो कौन सा फीचर है, एनिमल फीचर है। और ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। उससे फिर ये क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडीज़। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं ये डोमिनेंटली किसका फीचर है, फंजाई का फीचर है। किसका फीचर है, फंजाई का। फ्रूटिंग बॉडीज़ किस में बनती हैं, फंजाई में बनती हैं। अरे किस में बनती हैं, फंजाई में बनती हैं। उसके बाद अभी तक ये ऑर्गेनिज्म क्या था, डिप्लॉयड। अब ये जो इसका कैप्सूल पार्ट होता है इसमें क्या होगी, मियोसिस। इसमें क्या होगी, मियोसिस, एंड इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स, एंड दे आर सेल्युलोसिक। इनके बाहर क्या होती है, ट्रू सेल वॉल। इनके बाहर क्या होती है, ट्रू सेल वॉल। अगेन कौन सा फीचर आ गया, प्लांट फीचर। एंड दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये कई सालों तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। जैसे कंडीशन फेवरेबल आती हैं तो ये स्पोर्स दोबारा से माइटोसिस करके क्या बनाते हैं, गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फिर से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बन जाता है, स्लाइमी मास। क्या बन जाता है, स्लाइमी मास। बात समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से ये ग्रो करते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जो कि बाद में क्या बना देती है, स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स हैं इनको डिस्पर्स कौन करता है, विंड्स। कौन डिस्पर्स करती हैं, विंड। ठीक है जी। अब उसके बाद जो हमारी लास्ट क्लास है दैट इज़ प्रोटोजोन्स। कौन से बेटा, प्रोटोजोन्स। तो प्रोटिस्टा का जो हमारा लास्ट क्लास है वो कौन सा है, प्रोटोजोन्स। प्रोटो का मतलब क्या है, फर्स्ट, और प्रिमिटिव, जोन मतलब एनिमल्स। सो ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें एनिमल्स की तरह करेक्टर्स आना शुरू हुए, इसलिए एनसीईआरटी कहती है दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। न्यूट्रिशन की बात करें सो दे आर हेटरोट्रॉफिक, पैरासाइटिक एज वेल एज होलोजोइक। होलोजोइक कौन से होते हैं बेटा, जो खाने को इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं। इसमें हम टोटल 4 क्लासेस पढ़ेंगे, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एमीबॉइड की। तो एमीबॉइड वर्ड कहाँ से आया है, अमीबा से आया है। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मैराइन में भी पाए जाते हैं, और मैराइन वाटर में क्या होती है बेटा, सिलिका। क्या इनकी सेल वॉल के बाहर क्या पाई जाती है,
सिलिका पाई जाती है, और टेरिस्ट्रियल हैबिट में ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में, कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में। अब उसके अलावा इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ये जो सिलिका मैंने बताया ये डिपॉजिट है इनके बाहर, क्या इनके बाहर डिपॉजिट। उसके अलावा क्योंकि ये एमीबॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो 10th क्लास में जब हमने अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो जैसे इनको कोई खाना मिलता है तो ये क्या कर लेते हैं, फॉल्स फीड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, फॉल्स फीड, जिसको क्या बोला जाता था, स्यूडोपोडिया, क्या बोला जाता था, स्यूडोपोडिया। और इस तरीके से ये अपने खाने को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि ये खाने को इंजेस्ट करते हैं तो ये ज़्यादातर प्रेडेटर का काम भी करते हैं, लेकिन कुछ इसमें से क्या है, पैरासिटिक फॉर्म है, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसके कारण कौन सी डिजीज़ होती है, एमीबॉइसिस, कौन सी होती है, एमीबॉइसिस। हमारी बॉडी में WBCs एमीबा की तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये हम आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजिलेटेड कौन से वाले हैं बेटा, जिनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। सो दे आर हेटरोट्रॉफिक पैरासाइट्स, दे आर हेटरोट्रॉफिक एंड दे आर पैरासिटिक, दे कॉज सम डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। ये ऑर्गेनिज्म का नाम क्या बेटा, ट्राइपैनोसोमा, क्या नाम है, ट्राइपैनोसोमा। अब याद करिए, फ्लैजिला तो इससे पहले भी था, तो उनको प्रोटोजोन में क्यों नहीं डाला गया, इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि वो हेटरोट्रॉफिक नहीं थे, क्योंकि वो क्या नहीं थे, हेटरोट्रॉफिक नहीं थे। इज दैट क्लियर, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक थे और यूग्लेनॉइड्स क्या थे, ऑटो प्लस हेट्रो, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली क्या है, हेट्रो। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया किसका है, ट्राइपैनोसोमा। अब आगे अगर बात करें, उसके बाद आगे सिलिएटेड, कौन से आगे, तो ये वो वाले होंगे जिनकी फ्री सरफेस पे क्या पाया जाएगा, सिलिया, क्या पाया जाएगा, द बेस्ट एग्जांपल इज पैरामीशियम, बेस्ट एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम, एक्वेटिक है बेटा। तो ये क्या करते हैं, अपने सिलिया के मूवमेंट से, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या करते हैं, खाने को कैप्चर करते हैं, खाने को कैप्चर करने के बाद एक छोटी सी कैविटी में लेके जाते हैं, जिसका नाम क्या, गलेट, इसका नाम क्या है, गलेट, और ये बाहर की तरफ खुलती है। उसके बाद ये खाने को इंटेक करने के बाद इसका फूड वैक्यूल बना के इसको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो सिलिया का यहाँ पे काम क्या है, एक तो मूवमेंट, दूसरा काम क्या है, खाने को कैप्चर करना। एनसीईआरटी बोलती है बाय द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, बाय द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सिलिया, ठीक है। और लास्ट में आगे बेटा स्पोरोजोन्स, लास्ट में क्या आगे, स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स वो वाले प्रोटिस्टेंट्स हैं जिनमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है, ये ऑर्गेनिजम्स अपनी इन्फेक्टिव स्टेज में क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पोर। किसे कहा जाता है, स्पोर्स आर द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स, स्पोर्स आर द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, इज दैट क्लियर। तो ये जो इनकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन में भी हो सकती है, जैसे कि इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, एंड इट इज़ अ नोटोरियस, नोटोरियस क्या होता है, डिस्टर्बिंग पैरासाइट, कैसा, डिस्टर्बिंग पैरासाइट। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इसको हमारी बॉडी में कौन लेके आता है, एनोफिलिस मॉस्किटो, सबसे पहले ये हमारे लिवर को डैमेज करती है, और लिवर के बाद किसको डैमेज करती है, आरबीसीस को डैमेज करती है, और लिवर में और आरबीसीस में जाके ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है, क्या बनाता है, स्पोर्स। यानी कि इनकी जो ये इन्फेक्टिव स्टेज है, ये क्या है, स्पोर्स। इन्फेक्शन किसे कहा जाता है, जब भी कोई पैथोजन अपने आप को क्या कराता है, मल्टीप्लाई कराता है, क्या कराता है, मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई आपको। अब लास्ट में ये कंपैरेटिव स्टडी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब आप पढ़ोगे, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी टाइम भी हो गया। तो अब हमारा जो रह गया किंगडम फंजाई, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स और जो लाइकन्स है, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, ठीक है बच्चों, जोर से बोलो, ठीक है।